नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक और नाविक का जो एग्जाम सीटी और एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड होगा। दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड 2/2022 का एग्जाम सिटी और एग्जाम एडमिट कार्ड जो इसका जारी हो चुका है। बता दें, सबसे पहले आपको एग्जाम सिटी और शहर का नाम पता लगेगा और वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि आपको एडमिट कार्ड कब जो है मिलेगा। तो हम आपको पूरी चीज प्रोसेस जो है लाइव आपको दिखाने वाले। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इसको चेक करने के लिए आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत है। आपने जो फॉर्म भरा था उसमें रजिस्टर्ड ईमेल आईडी चाहिए और यहाँ पे पासवर्ड चाहिए जो आपने फॉर्म भरते वक्त डाला था। इनकेस अगर आपका पासवर्ड मैच नहीं करता है तो आप यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड जाकर अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे ओटीपी या तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी डाल के यहाँ से आप उसको फॉरगेट भी कर सकते हैं। बहरहाल मेरे पास ये दोनों चीजें, हम आपको लॉगिन करके दिखाते हैं। उससे पहले आपको बता देते हैं कि ये एडमिट कार्ड और एग्जाम सिटी आपको लिंक कहाँ पर मिलेगा। तो ये लिंक आपको मिलेगा rozgarrizult.com पे, बहुत ही ट्रस्टेबल और बहुत ही भरोसेमंद वेबसाइट rozgarrizult.com। साथ ही साथ ये लिंक आपको मिल जाएगा sarkaririzult.com पे। सरकारी रिजल्ट जब भी लिखिए lastme.com जरूर चेक कीजिए। आप नीचे आएंगे एडमिट कार्ड सेक्शन पे, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ एडमिट कार्ड वाला लिंक, आपको इस पे आना है। नीचे बता दें इसका जो लिंक है वो 15 मार्च उपलब्ध हुआ है। एग्जाम इसका मार्च और अप्रैल में अलग अलग तारीख में है। तो जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो सबसे पहले हम इस कैप्चा को जो है, जो कैप्चा हमारा दिख रहा है, उस कैप्चा को हम डाल देते हैं। यहाँ पे हम जो पासवर्ड आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त डाला था वो पासवर्ड डाल देते हैं और यहाँ पे मैं अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो है डालता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी है, पासवर्ड भी डाल दिया है, जो कैप्चा है उसको भी डाल दिया। यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। आपको प्रैक्टिस करनी है तो मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है। अब आपको सीधा यहाँ पे लॉगिन का बटन दिख रहा है, इस पर लॉगिन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे आप लॉगिन करेंगे, सीधा आप जो है अपने एग्जाम जो सिटी है उस पर जो है आप लैंड होंगे पेज पे। तो यहाँ पे आप पेज पे देख सकते हैं, सबसे लिखा होगा एग्जाम डेट एंड सिटी नोटिफिकेशन। यहाँ पे लिखा रहेगा पोस्ट आपने किस पोस्ट के अप्लाई किया, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, और जो मेन चीज यहाँ पे दी है वो दी है एग्जाम डेट यानी एग्जाम डेट आप देख सकते हैं, एग्जाम का स्टेट और एग्जाम का सिटी। और ठीक उसी के नीचे यहाँ पे दिख के आएगा यानी कि आप मान सकते हैं आपकी परीक्षा की तिथि से 4 दिन पहले आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप जिस कैंडिडेट का मैं चेक कर रहा हूँ उसका आप देख सकते हैं एग्जाम जो है 30 मार्च को और एडमिट कार्ड 26 मार्च से उपलब्ध होगा। अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एग्जाम इंस्ट्रक्शन है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। एग्जाम इंस्ट्रक्शन पे साफ साफ दिया कि इसका जो प्रिंट आउट है आपको जो है कलर प्रिंट आउट लेना है। ये देखिए 1 कलर बैक टू बैक प्रिंट आउट आपको लेना है इस एडमिट कार्ड का, यानी कि आपको ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट नहीं लेना है, कलर प्रिंट आउट ही लेना है। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है, प्रवेश पत्र का एक रंगीन बैक टू बैक प्रिंट आउट आपको लेना है। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट मत लेके जाइएगा। साथ ही साथ आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी है और यहाँ पे ओरिजिनल आपका कास्ट सर्टिफिकेट, सारी चीजें आपको दी हुई है, ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। ये सारी चीजें आपको नहीं देनी, यानी कि इसमें आपको जो कपड़े पहनने हैं उसका भी दे रखा है, जैसे सॉक्स एंड मोजे, जूते, जो क्या क्या चीज आपको जो है अनुमति नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि ये चीजों की आपको अनुमति नहीं है, आपको जूते और मोजे पहनने की अनुमति नहीं है, पूरी बाजू या लंबी बाजू के कपड़े नहीं पहनने, जैकेट नहीं पहनना, बड़े बटन वाले कपड़े नहीं पहनने, आभूषण कान की बाली, कलाई की पट्टी, सब आपको नहीं पहनना, मोबाइल फोन, स्मार्ट घड़ी, ईयरफोन, हेडफोन, हैंडबैंड, कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस, ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना। बाकी इंस्ट्रक्शन जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उसमें भी इंस्ट्रक्शन प्रिंट होकर आएगा, उसको अच्छी तरह से पढ़िएगा और फॉलो कीजिएगा ताकि आपको परीक्षा देने में कोई भी कठिनाई नहीं हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।